क्या लपा लप सटा सट चाउमीन खा रहे हैं हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। और आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आज सुदूर हिमालय के एक ऐसे गांव में गया हूं जो बहुत दूरस्थ गांव है नारायणबगड़ क्षेत्र का, और इस गांव का नाम है खैनोली। ये गांव खैनोली है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन गांव है। और आज इस गांव में एक मेला है, दोस्तों बहुत दूरस्थ गांव होने के बावजूद भी ये गांव बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है और काफ़ी ठीक से इसको बनाया गया है। देखिए संतरे के पेड़ हैं दोस्तों यहाँ पे, और कुछ घर इस तरफ हैं। बॉडी प्रणाम। और बढ़िया जो बढ़िया। अच्छा अच्छा, फोटो तो नहीं खींचना जी। इसमें देवता को जागृत करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो मांगलिक गीत हैं, जो पुराने गीत हैं, वो यहाँ के जो पुरुष हैं खनोली गांव के, वो इस समय इस गीत को गा रहे हैं, और हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है। आया तो
आशीर्वाद मिलेगा और लोगों के घर से भिक्षा के रूप में और चीज़ें भी प्राप्त करेगा। तो अब ये श्रृंखला यहाँ पे शुरू होगी है। मेला मा लोडी दिया। अच्छा अच्छा ठीक। और भाई सब बढ़िया से बाजी दा और राजू हैं जग गा लो ओए। खैनोली गांव में मैं मेले में आया हूं और यहां पे हमारे भाई साहब हैं। भाई जी नो के जापो दीपेंद्र भाई साहब हैं और यहां पे बननी है इस समय। ये बेहतरीन चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये बन रहे हैं चौमिन। और भैया आप लॉकडाउन में तो नहीं आए घर? हाँ लॉकडाउन में भाई साहब। देखिए ये लॉकडाउन में भाई साहब घर आए और उन्होंने जो चीज़ें शहरों में सीखी थी वो आज वो गांव में बनाते हैं और मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक उनका चलता होगा क्योंकि गांव में ये चीज़ें बहुत ही कम लोग बनाते हैं। और देखिए ये मोमो बने हुए हैं और इस तरफ उन्होंने ये छोले और पूरी भटोरे सब चीज़ बनाए हैं। ये है गाँव के मेले का आनंद। दोस्तों ये है खैनोली का जो मंदिर है जिस मंदिर के लिए आज यहाँ पे मेला आयोजित करता है। ख़ासतौर पर भगवान नारायण का ये मंदिर है और ठीक खैनोली गांव के किनारे पर बना हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ से जो दृश्य है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन दिखाई देता है। दोस्तों आज हमारा एक सबसे छोटा यूट्यूबर है, ये भी उत्तराखंड के पहाड़ों से बिलोंग करता है और बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग ये भी बनाता है। इनका नाम है आशु है और चैनल का नाम क्या है आपका? आशु डायनामाइट ब्लॉग। हाँ आशु डायनामाइट ब्लॉग के नाम से इनका जो चैनल है। और गाइज ये आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता है। सो गाइज सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज हम आए हुए हैं खैनोली कोथिक में और हमें मिले हैं रेबार चैनल। तो अभी हम दोनों मिल गए और साथ में व्लॉगिंग करेंगे। तो मेरा सज्जा सभी से ये निवेदन है कि आप सबसे रेबार चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी आशु डायनामाइट व्लॉग्स को भी सपोर्ट करें। दोस्तों हमारे जो पहाड़ में हैं बहुत सारे ऐसे जो युवा हैं जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं और अभी बहुत छोटा है, वो 9th-10th की क्लास में पढ़ता है आशु। लेकिन यूट्यूब और जो यूट्यूब पर ब्लॉगिंग का उनको काफ़ी शौक़ है तो वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इनके चैनल पर आप जाइएगा और वॉच ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए आप रेबार चैनल पर लास्ट तक। दोस्तों भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस समय खैनोली मेले में।
बेटा अगर मिलो ना तो यार दोस्तों देखिए लोग अधिकतर जो लोग हैं वो ऊपर खेतों में बैठे हुए हैं और इस तरफ जो है वो देवता नाच रहा है। दोस्तों गढ़वाल में मेला हो और उसमें चौमिन ना हो ये बात बनती नहीं है, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो पहाड़ की जो महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं और आज मौका मिला है उन्हें मौका यहाँ मेले में आने का, और साथ ही साथ चौमिन देखिए क्या लपालप सटासट चौमिन खा रहे हैं। तो दोस्तों इधर देखिए जो अभी लाइन में लगे हुए इधर, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा रविवार को, सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये देखिए बच्चों की खरीदारी बढ़िया, खेले ना आइसक्रीम चल ठीक। हम है खैनोली से, हम है खैनोली गांव से, पहाड़ी बंदे, पहाड़ी बंदे है दोस्तों। पहाड़ों में जो मेले या बधाण में से कौथिक बोलते हैं, तो यहाँ पे कौथिक खासतौर पे धार्मिक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कृति और यहाँ के संस्कृति को भी ये दिखाते हैं, और मेले कहीं ना कहीं किसी टाइम पर मिलने के एक ऐसे केंद्र भी हुआ करते थे जब बहुत सारे दूर दराज के गांव से लोग मेलों में आते थे और मुलाकातें करते थे। तो एक मिलन केंद्र भी मेले रहे हैं गढ़वाल में हमारे पहाड़ों में, और ख़ास तौर पे यहाँ पर इन मेलों को कौथिक के नाम से जाना जाता था, और जो आज का जो कौथिक है ये खैनोली कौथिक के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, गांव-गांव से महिलाएं ख़ास तौर पे यहाँ पे आई हुई हैं और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे मेले में ख़रीदारी कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे गांव की जो दीदी भूलिया हैं जो आज मेले में आई हुई हैं ख़ास तौर पे, और सामने चल रहा है मेला और इस तरफ वो मेले का आनंद ले रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो चौमिन है और आइसक्रीम हमारे जो गढ़वाई दीदी भूली जो आजकल ख़ास तौर पे जब मेला में आना तो उन्हें जो सबसे पहली जो पसंद रहनी है वो चौमिन और आइसक्रीम रहनी, अर्थात आप लोग देख सकें अंदर बिल्कुल पूड़ा में बैठ के क्या बढ़िया तरीके से वो चौमिन और आइसक्रीम आनंद लेना। तो दोस्तों ये है हमारा गढ़वाल और गढ़वाल की जो संस्कृति है, देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठकर आराम से गपशप मार रही हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो मिले होंगे आपस में, जिनका यहाँ मायका रहा होगा इस गाँव में, और बहुत दूर दराज से वो ससुराल से आकर के आज अपनी जो छुई बात वो बढ़िया से अपने भाई बहन मिल के अपनी छुई को लाने। जरूर दिखा है रविवार जय हो ऐसा।
स्वागत है। क्या लेना आज मेला में भाई? बढ़िया खिलौना लिया ना? और गुड़िया, वेरी गुड। और आपने तुम्हें क्या लेना? शाबाश। और के लेने छोटू? अरे हेलो दोस्तों, मेला हो गया है समाप्त, अब चलते हैं घर की तरफ। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, ब्लॉग हो गया काफ़ी लंबा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।